शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की। कल दूसरी पुण्यतिथि है उनकी और अलीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है और कल सावन का सोमवार भी है, तो ऐसे में कांवड़ियों को परेशानी ना हो इसके लिए रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस कार्यक्रम में 50 से 60 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रियों में श्रीमती स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी और बाकी हमारे प्रदेश सरकार के भी माननीय कैबिनेट मंत्री कई काफ़ी हैं गणमान्य, जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी अन्य और हैं जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिनकी अभी तक सहमति आ चुकी है। और सभी लोग बाबूजी की इस द्वितीय पुण्यतिथि में, जो एक हिंदू गौरव दिवस के रूप में जिस कार्यक्रम को हम सब लोगों ने बना रहे हैं, जनपद के और जनपद के बाहर के आसपास के जनपदों से भी लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वो मंगलवार सोमवार का दिन है, इसलिए उस कांवड़ियों में भी उस मॉर्निंग टाइम में होंगे। उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र पुलिस प्रबंध और व्यवस्थाएँ की गई हैं। वाहनों को आने और उनकी पार्किंग इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि शहर का सामान्य आवागमन प्रभावित न हो। सुरक्षा की बात करें तो हमारी LIU की यूनिट्स, फायर सेफ्टी की यूनिट्स, इसके अलावा हमारी क्राइम टीम्स आदि सभी सतर्क रहते हैं। और जो विशेष तौर से ट्रैफिक का भी इसमें स्पेशल रोल होता है, जिसमें विभिन्न डाइवर्जन आदि किए जाते हैं और फ्लीट आदि की मूवमेंट की व्यवस्था एवं आने जाने वाले लोगों की व्यवस्था सुगमता से हो, इसको सुनिश्चित किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम से पहले ड्रोन से भी निगरानियाँ की जाती हैं और अराजक तत्वों पर भी नज़र रखी जाती है। अलीगढ़ से संकेत मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रक्षा मंत्री समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे, हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिए संकेत। बिल्कुल, देखिए कल्याण सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि है और जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में सर्वमान्य नेता रहे और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उनकी एक बड़ी पहचान है और बड़े नेता हैं वो रहे हैं। तो ऐसे में अब उनकी कल जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता इस पुण्यतिथि में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद रहेंगे और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे, यानी कि पूरी भाजपा वहां पर मौजूद रहेगी और कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में वहां पर कार्यक्रम होगा। और जाहिर सी बात है कि दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव है और कल्याण सिंह लोध बिरादरी में सर्वमान्य नेता रहे। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो OBC बिरादरी में 7 से 8% लोध है, यानी कि यादव के बाद दूसरे नंबर पर लोध बिरादरी है उत्तर प्रदेश में। तो सियासी लिहाज से भी ये कल का कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है कि लोध वोट बैंक की भारतीय जनता पार्टी गोलबंदी करने की भी कोशिश करेगी और सहेजने की कोशिश करेगी। BJP के तमाम दिग्गज नेता कल के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में जाएंगे, वो मौजूद रहेंगे और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल। ठीक है संकेत, तमाम जानकारी आपने दी। लखनऊ से हमारे साथ संकेत मिश्रा जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे इस पर, लेकिन अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और रंजीत, क्या ये कार्यक्रम रहेगा पूरा विस्तार से बताइए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि कई बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी पहुंचेंगे और काफी गौरव का दिन ये भारत के लिए। रंजीत आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कल पुण्यतिथि है और हिंदू गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की दिक्कतों को फौरन निपटाने के यानी कि फौरन समाधान उनका करने के निर्देश दिए हैं कि फौरन निपटारा किया जाए। अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है, तमाम जो लोग यहां पर पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए अफसरों को निर्देशित करते हुए भी मुख्यमंत्री दिखाई दिए। जनता दरबार लगाया है लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत आज रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामलला के दर्शन पूजन यहां पर करेंगे। दोपहर में करीब 2 बजे बताया जा रहा है कि सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचेंगे अयोध्या। दर्शन पूजन के बाद रजनीकांत वापस लखनऊ लौट जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे रजनीकांत। दोपहर 2 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है जब वो अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। तो इन दिनों उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं रजनीकांत और कल सीएम योगी से जो मुलाकात की थी उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और कल अपनी नई रिलीज हुई फिल्म जेलर को भी उन्होंने देखा है केशव प्रसाद मौर्य के साथ। अब रामनगरी अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, आज पहुंचेंगे 2 बजे के आसपास, लेकिन 2 बजे के बाद जो है यहां पर रामलला के दर्शन का उनका कार्यक्रम है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले हैं फिल्म एक्टर रजनीकांत। एक कार्यक्रम में अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी और अखिलेश जी से फोन पर बात होती है। सीएम योगी से कल मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहा हूं, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। और ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी से मुलाकात की थी रजनीकांत ने। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले हैं फिल्म एक्टर रजनीकांत, एक कार्यक्रम में अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी और फोन पर बातचीत होती रहती है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों लखनऊ में हैं और शनिवार को उन्होंने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी और अपनी कार से उतरते ही उन्होंने सीएम योगी के सबसे पहले पैच हुए, उनका आशीर्वाद लिया। नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्टों में यूपी देश के राज्यों में पहले पायदान पर रहा है। बैंकिंग, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश से जुड़ी रिपोर्ट में यूपी ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में यूपी से सबसे ज्यादा नए निवेशक जुड़े हैं। इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या और बैंकों के पसंदीदा निवेश वाले राज्यों में भी यूपी सबसे आगे है। इन रिपोर्टों से साफ है कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। राज्य को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 21.91 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। सीएम योगी की नीतियां रंग ला रखी है, कोविड के बावजूद यूपी की आर्थिक रफ्तार तेज है। तो विकास की नई इबारत लिख रहा है यूपी और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर जब रिपोर्ट आई है तो अव्वल पाया गया है उत्तर प्रदेश को। कई रिपोर्ट में यूपी नंबर 1 राज्य बन गया है कई देश के अन्य राज्यों को पछाड़ते हुए। तो विकास का जो संकल्प लिया है सरकार ने, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास और तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को कई मामलों में पछाड़ा है, यानी कि विकास के मामला हो या फिर आर्थिक निवेश का मामला हो या फिर गरीबी उन्मूलन का मामला हो, उत्तर प्रदेश देश में अव्वल आया है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है, देश के सभी राज्यों के सामने एक मानक पेश किया है कि उत्तर प्रदेश आर्थिक विकास,
तरक्की, निवेश के मामलों में नंबर वन है। नीति आयोग की रिपोर्ट हो या फिर बैंकिंग सेक्टर की तमाम रिपोर्ट हो, उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में देश के सभी राज्यों से अव्वल आया है। यूपी का जलवा पूरे देश में बरकरार है। कल सीएम योगी से मिले साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर के प्रमोशन के लिए लखनऊ आए हुए थे। जब रजनीकांत ने पैर छुए तो सीएम योगी ने उन्हें उठाया और खुद भी हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। वहीं यूपी बैंकों और पर्यटकों की अब पहली पसंद बन गया है। गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार निवेश में भी सबको पछाड़ दिया है यूपी ने। बैंकों से फंड आकर्षित करने में यूपी नंबर वन हो गया है। शेयर बाजार में नए निवेशकों के मामलों की बात करें तो देश में पहले पायदान पर यूपी पहुंच गया है। एक बार फिर से दिखा रहे हैं हम आपको वो दो तस्वीरें जब सीएम योगी की कल मुलाकात हुई थी। सीएम योगी के पैर छुए उन्होंने जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उसके बाद मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रजनीकांत ने। साउथ के सुपरस्टार हैं। एक बार फिर से आपको हम वही तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर, यूपी अब नंबर वन बन गया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यूपी ने परचम लहराया है और बाकी राज्यों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। तो यूपी का जलवा पूरे देश में बरकरार है। विकास की नई इबारत उत्तर प्रदेश लिख रहा है और सरकार इसे उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अव्वल है। पीएम मोदी के डबल इंजन नेतृत्व और दूरदर्शिता के चलते यूपी निवेशकों के लिए एक आकर्षक सुरक्षित जगह बन गई है। लखीमपुर खीरी में बंदरों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। बंदरों ने सबसे ज्यादा उत्पाद ईसा नगर थाना इलाके में मचाया हुआ है। बंदरों के हमले से अब तक 70 लोग घायल हो चुके हैं जबकि करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद कर दी है। और बताया ये जा रहा है कि इलाके में करीब 1000 बंदर हैं। बंदरों के आतंक से लोग दहशत में हैं। इलाके के लोग बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। बंदर ने काटा, गिरा लिया पीछे से ने। कहाँ थे आप? गन्ना में, खेत में। खेत में तो कैसे बचे हैं बंदरों से? लड़का दौड़े अल्लाह मचे तो थोड़ी से एकदम उठे नहीं पाने। गन्ना का, केला का, साग सब्जी कोई भी फसल नहीं रखते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को ना घर से निकलना मुश्किल है, खाना बनाना मुश्किल है। कैद किए गए रहे तो कोई अधिकारी कुछ सुन नहीं रहा। बंदरवा काट के लड़का बचाओ था, ख्यात कैसे बचाया है उनको? सब लड़का स्कूल ही दौड़ा, सब गांव वाले स्कूल के बच्चे जब तब बचे हैं। और खबर ललितपुर से है जहां पर दो कंटेनर की भिड़ंत हो गई। कंटेनर का ड्राइवर बुरी तरह से घायल होकर फंस गया। उसे किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दो कंटेनर झांसी जा रहे थे तभी दोनों की टक्कर हो गई। घटना ताल बेहल कोतवाली की है।